सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर मुझे याद है शायद 17-18 जून से हम लोगों ने खबर करनी शुरू की, एकाएक खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, कनाडा से सड़कों पे कुत्ते की तरह मारे जा रहे थे और बड़े बड़े माल कमा करके आतंकवाद भारत में फैला रहे थे। उन सबको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, पता ही नहीं चल रहा था। तो मान लिया जाओ तो छुट भैये थे, अभी पन्नू करा रहा है। लेकिन कमाल की बात है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी हाफिज सईद, जो यहां के खैरातियों और जिहादियों को माल सप्लाई करता था, वो फफकार मार करके रो रहा है, उसका लौंडा गायब हो गया है। सर इतने बड़े आतंकी का लौंडा गायब हो गया है, तो ये हो क्या रहा है? ये एकाएक हो क्या रहा है कि उसका लौंडा गायब हो गया? वो जो दूसरों की बर्बादी करता था, उसका खुद का लौंडा गायब हो गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उसकी आर्मी, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो यहां जो लौंडा पैदा किए हुए हैं, इतने जो जिहादी हैं, जिसने जो पाकिस्तान को और हाफिज सईद को बाप मान रहे थे, आप अभी याद दिला रहे थे कि दिग्विजय सिंह के बारे में, और फिर सुशील कुमार शिंदे को भी नहीं भूलना चाहिए, ये खैराती पांडे, बलात्कारी पांडे का भाई, ये भी अपना बाप हाफिज जी, हाफिज ओसामा जी, ओसामा जी तो मुझे लगता है दिग्विजय ने कहा, और हाफिज सईद, हाफिज जी जो हैं वो देश का पूर्व गृह मंत्री कह रहा था। तो ये इतने बड़े आतंकी के लौंडा गायब हो जाना, ये कितना सामान्य है सर? ये डोभाल साहब कर क्या रहे हैं? मनीष जी, ये बड़ी खबर है कि आतंकवादियों का, पाकिस्तान के जितने आतंकवादी हैं उनका वो बाप है। बाप नहीं, इसको महाबाप कह लीजिए। सबसे बड़ा आतंकवादी, $50 लाख का इनामी घोषित, 33 साल की सजा पाया हुआ है पाकिस्तान। वो सजा क्या मायने है, लेकिन वो इतना बड़ा आतंकवादी है कि उसके चक्कर में जो FATF का था, पाकिस्तान भंगी होने कगार पर था, एकदम कंगाल। तो उसको दिखाने के लिए पाकिस्तान को भी 33 साल की उसको सजा देनी पड़ी है। वो जेल में है आजकल, जेल में उसको, यह बात अलग है कि उसको पूरे आराम दिए जा रहे हैं। और सबसे खास बात कि वो पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तान की सेना की आंख का तारा है। वो जैसे कहते हैं, दामाद का भी दामाद है, सुपर दामाद है पाकिस्तानी आर्मी और ISI का। उसको बिल्कुल संभाल के वो रखते हैं। और उस हाफिज सईद का लड़का कल पेशावर से गायब हो गया, और जो चश्मदीद गवाह है वो बता रहा है कि मोटर सवार लोग आए, खींच के उसको अपने साथ ले गए। तो ये तो एक बड़ी खबर है मनीष जी, ये भारत के लिए तो बहुत शुभ खबर है। बिल्कुल, ये 2008 का जो मुंबई हमला था, या जितनी आतंकी वारदातें हुई थी, उसका ये नैसर्गिक न्याय कह लीजिए, ऊपर वाले का न्याय कह लीजिए, जो जो भी कहिए। तो मगर वो एक भारत के लिए बड़ी शुभ खबर है, अच्छी खबर है। और वैसे भी ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वो लो प्रोफाइल या कोई ऑर्डिनरी आतंकवादी नहीं है। मैंने कहा ना कि वो पूरे पाकिस्तान के आतंकवादियों का बाप है, और पाकिस्तान की सेना उस आग की, ISI की आग का सुरमा है। तो जिसने गायब किया है पाकिस्तान के हाफिज सईद के लड़के को, उसने लड़का नहीं गायब किया हाफिज सईद का, उसने पाकिस्तान की आर्मी और ISI की आंख से सुरमा चुरा लिया है। ये समझिए आप कितना ऊंचा काम है। लेकिन मनीष जी, ये तो खबर बड़ी है। एक इससे ज्यादा बड़ी खबर है जो इसी खबर में चुकी, जो लिखी नहीं गई है, लेकिन वो खबर जो है वो इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। और वो उस पर कुछ बोलना ठीक नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि खबर क्या है जो इससे बहुत ज्यादा बड़ी है, कि हाफिज सईद के लड़के को गायब किए हुए 36 घंटे हो गए, और पूरी ISI, पूरी पाकिस्तानी आर्मी, पूरे पाकिस्तान की पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही है उस लड़का। तो छोड़िए, अभी तक वो ये नहीं पता कर पाए हैं कि लड़के को गायब किसने किया। ये बहुत बड़ी खबर है। ये सोचिए कि, और ये पेशावर में हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि बॉर्डर में, कश्मीर के बॉर्डर में या लाहौर के पास वाले बॉर्डर में, अटारी बॉर्डर में गायब हुआ है। पेशावर जो सबसे बड़ा गढ़ है इनका, ये बड़ा मजबूत मानते हैं, वहां अफगान है, पठान है, और इसीलिए वो वहां था ही। हाफिज सईद अपने परिवारजनों को इसी तरह सुरक्षित रखता है, और वहां से 36 घंटे पहले उसका लड़का गायब। और जो प्रत्यक्षदर्शी उस समय मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इसको कार में घसीट के लादा हो, वो लेके कहीं चले गए, कौन थे, कहाँ गए। और ये बात, लड़का तो लड़का लाना तो दूर की बात है, अभी तक ये नहीं पता कि लड़के को ले कौन गया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, और इसको मैं तो उसी से जोड़ के देखता हूं कि भारत के दुश्मन करीब करीब आधा दर्जन से ज्यादा पिछले 6 महीने में पाकिस्तान में गिरा दिए गए, लेकिन उनको गिराने वाला कौन था ये पाकिस्तान आज तक
पता कर रहा, हवा में तीर मार रहा है, हाथ पांव मार रहा है। दूसरे इसका एक महत्व और समझिए मनीष जी, कि वो इन्हीं आतंकवादियों को जिस तरह से पाकिस्तान बचाता है, उसी तरह से ट्रूडो ने इन जो अभी बयान दिया था भारत के खिलाफ कि भारत ने हमला कर दिया, भारत के आतंकवादी थे, मारने वाले थे, जो निज्जर को जिन्होंने मारा, वो केवल प्रेशर टैक्टिक्स थी ट्रूडो की, आईएसआई के इशारे पे की गई थी कि इस तरह का कोई बयान दे दो तो कम से कम आगे ना मारे जाए, ये ट्रूडो ने कहा था। तो जिस दिन ट्रूडो ने बयान बनाने की कोशिश की, उसके 48 घंटे के अंदर सुखा वहीं गिरा दिया गया, पाकिस्तान कनाडा में, तो तत्काल मारा गया, एक पलट के जवाब हो गया, ये मैसेज हो गया कि तुम्हारी ये गीदड़ भक्ति है, ये जो कवर देने की कोशिश कर रहे हो, ये काम का नहीं आएगा। भारत के दुश्मन, भारत माता के दुश्मन, इसी तरह मौत के नींद सुलाए जाते रहेंगे। और कोई अज्ञात वीर, मैं उनको वीर मानता हूं, कि वो अज्ञात वीर, गुमनाम वीर, वो अभी इनके रोके रुकने वाले नहीं है। उसी तरह से पाकिस्तान में दहशत थी, इन्होंने बड़ा हाथ पांव जोड़ के कल ही परसों अमेरिका के राजदूत का दौरा कराया था, और बड़े दावे उल्टे सीधे उलूल जुलूल हो रहे थे पाकिस्तान की मीडिया में। वो उसका दौरा आया, वो चला गया, राजदूत वो भी तमाशा देखने आया था, तमाशा देख के गया, और नतीजा हाफिज सईद का लड़का गायब है। तो ये इसको मैं यही कहूंगा कि ये बदला हुआ भारत है, ये बदला हुआ भारत है जो कंधे पे हाथ धरने की इजाजत नहीं देता, आंख से आंख मिला के बात करता है, और मैं कई पापों का बदला है ये हाफिज सईद के लड़के वाली ये घटना, और ये सर पाकिस्तान के सर मुंह। सर लेकिन भारत ने तब जब कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया है, तो राहुल गांधी और पूरा गैंग उन लोगों ने सबूत मांगा था। अब की बार तो भारत कह ही नहीं रहा कि हमने खालिस्तानियों को मार दिया, हमने हाफिज सईद के लौंडे को निपटा दिया। ना मोदी जी कह रहे हैं, ना अजीत डोभाल कह रहे हैं, लेकिन हम और आप कह रहे हैं, तो कांग्रेस तो आप ही से सबूत मांग लेगी। तो जरा उसे दिखाना पड़ेगा, पाकिस्तान का ही अखबार की कटिंग दिखानी होगी ना सर। हाँ, दिखा क्योंकि दिग्विजय दीजिए सिंह तो दिग्विजय सिंह तो अपने चंपू को किसी को फोन करके हमें फोन करवा देंगे कि मनीष ठाकुर ड्यूटी कवर दिखा रहे थे। तो जरा इस्लामाबाद के हवाले से खबर, ये भारत के अखबार की खबर नहीं है, इस्लामाबाद के डेडलाइन से खबर है। डेडलाइन से ये इस्लामाबाद से है जो इस पूरी खबर को पुख्ता कर रहा है। क्या नाम है उसके बेटे का? कमालुद्दीन सईद। कमालुद्दीन सईद वन ऑफ द सन, आप पता नहीं कितने सर, ये तो बहुत सारे सन होंगे, वन ऑफ द सन कह रहा है कि वो लौंडा एक गायब हो गया उसका, और 26 सितंबर से ही गायब है। ये इस्लामाबाद से खबर है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन इस कटिंग को दिखा देना जरूरी ये है कि कांग्रेस और उसके जो ठहराती हैं वो कहेंगे कि ये खबर, ये जो है सतीश जी और मनीष ठाकुर जो विश्लेषण कर रहे थे वो फर्जी है। मैंने ये सब छाई हुई है, अब सोशल मीडिया पे भी आ गई है पूरी तरीके से खबर, तो वो सोच लीजिए कि क्या ये गजब का घटनाक्रम है। और वास्तव में मैं भी नहीं कह रहा कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने करा दिया ये, मैं तो उन अज्ञात वीरों को धन्यवाद दे रहा हूँ, उनको बधाई दे रहा हूँ कि अद्भुत काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा कौन मार गया, कनाडा में मारे जा रहे हैं, मतलब ये मनीष जी, ये लोग ये नहीं पता कर पा रहे कि मारा किसने। अभी 36 घंटे हो गए, इतना दुलारा प्यारा लाड़ला जिसको दामाद की तरह पाल रहे थे हाफिज सईद, उसका लड़का गायब हो गया, और आईएसआई अभी तक ये नहीं पता कर पाया कि गायब किसने किया, कहाँ गया तो छोड़िए, ले कौन गया ये ही मालूम है, सर उसको कोई ये जवाब नहीं। एक व्यूअर याद दिला रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि जब डोभाल कुछ दिन गायब हो जाए तो समझो बहुत करामात। सचमुच अजीत डोभाल जी बहुत दिनों से न खबरें में हैं न कहीं कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, G20 के बाद से गायब थे वो। नहीं तो आप गौर करिए ना, ये इन्होंने शुरू किया, ये चाहे ये सनसनीबाज हो, चाहे वो बलात्कारी पाणे का भाई हो, अब ये अपने उसमें अब ये टारगेट डोवाल को करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये जो है मोदी के बाद अगर सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं तो डोवाल को कर रहे हैं, तो अब आप समझिए कि क्यों कर रहे हैं, पूरा क्यों हो रहा है। तो ये बिल्कुल इसीलिए अपने देते आप हैं, जी ये जी इसीलिए ये करते हैं। और मनीष जी, जब दूसरी खबर भी दिखाई दीजिए जरा वो वीडियो की, एक और पहले बता नहीं नहीं दूं नहीं सर, इस पे थोड़ा सा कि और थोड़ा सा मुझे लगता है मजा और लीजिए। मतलब सर इतना इतना भी जितनी भी छोटी खबर नहीं कि आप 10 मिनट में टाल देंगे यार। ये भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि है, और खालिस्तानी गुंडों के बाद हाफिज सईद का के लौंडे का जाना, कहते
कई लोग कह सकते हैं भाई एक आध दर्जन लौंडे होंगे, उसके एक आध चला गया तो क्या हो गया, लेकिन बाप के लिए तो बेटा है वो। इतना बड़ा आतंकी जिसको कश्मीर चाहिए था कि लड़ के भी आया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, और यहाँ पर जो उनके खैराती हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी थोड़ा सा ये भी बताइए। और इन खालिस्तानियों के बाद ये तो क्या पाकिस्तान भी कहेगा टूडो की तरह कि हमें घर में घुस घुस के कूट रहा है भारत? नहीं, वो तो कह ही रहा है, वो तो कह ही रहा है, टूडो तो कह ही रहा है, यही तो रोग आ रहा है। यहाँ पहले दो दिन इसी गम में बेहोश पड़ा रहा कोकीन पी के, उसके बाद जब होश आया तो लौटा है, तो अब उसको तो समझ में आ रहा कि हो क्या रहा। उसको तो झटका लगा है मनीष जी, जो वो खबर जरूर दिखा दीजिए कि कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में उन्होंने घेराबंदी कर दी है, वहां पे केवल हिंदू नहीं, उन्होंने कोई भी नॉन सिख यानी कनाडा के नागरिकों को भी प्रवेश प्रतिबंधित करने की घोषणा कर दी, कहा ये इलाका खालिस्तान है। तो जो ट्रूडो पंजाब में खालिस्तान बनवा रहा था उसकी खोपड़ी खालिस्तान बन गया, तो ये उसको एक ये उसके सर पे एक धमाका किया है। तो बहुत ये भी बड़ी खबर है, अब ट्रूडो की समझ में आ रहा होगा, और अब वहां बिल्कुल, और इसलिए भी दिखाना जरूरी है कि जरा सतीश जी जो याद कर रहे थे थोड़ा सा ये भी देखिए कि ये दोनों मिल करके ये खालिस्तान के टू कश्मीर प्लस खालिस्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे थे। मतलब जब ये पाकिस्तान को लगा, ये साफ लग रहा है कि कनाडा में पाकिस्तान भारत विरोधी एजेंडा चला रहा था, और निश्चित रूप से है कि यदि खालिस्तान इनको चाहिए तो पंजाब का तो मुख्य हिस्सा चला गया सर पाकिस्तान में, पंजाब की राजधानी चली गई पाकिस्तान में, तो ये गुंडे जो हैं ये खालिस्तान पंजाब पाकिस्तान में क्यों नहीं मांगते, ये कनाडा में क्यों नहीं मांगते जो ये एजेंडा चला रहे हैं? तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो एजेंडा चला रहे थे K2 वाले, ये देखिए पाकिस्तान का झंडा और खालिस्तान का झंडा, तो इसीलिए हाफिज सईद का लौंडा गायब होने का ये भी एक वजह आपको लग रही है क्या? हाँ मनीष जी, खालिस्तान कुछ है नहीं, खालिस्तान तो यही पूरा गैंग है, ISI पाकिस्तान हाफिज सईद यही गुंडे, इनमें से तो उस समय पकड़े गए थे जिस समय चरम पे था यहाँ खालिस्तान का आतंकवाद, उसमें कई ऐसे पकड़े गए थे जो दाढ़ी बढ़ा के पगड़ी बढ़ाए थे, लेकिन वो जिंदा पकड़ में आ गए तो पता चला वो मुस्लिम है, केवल भेष बना के आए थे। भिंडरा वाले के साथ जो स्वर्ण मंदिर में घुसे बैठे थे उसमें कई ISI के एजेंट थे, मुस्लिम थे, वो पगड़ी बांध के आ गए थे। तो ये तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, ये पाकिस्तान द्वारा रचित एक नाटक है जिसके ये प्लेयर हैं, ये पन्नू ये सब पैसा पा के काम कर रहे हैं। काम तो ये ISI के लिए ही कर रहे हैं। मैंने ट्रूडो के लिए कहा था कि उसको भी उसका भी पूरा वो ISI के इशारे पर नाच रहा है, उसका पैसा ज्यादा, उसको वोटों की चिंता हुआ कनाडा के मुस्लिम वोटों की। ये बनी जी ये खबर है ब्रैम्पटन की, ये खबर है, ये दिखा दीजिए तो मैं पढ़ भी दूंगा। ये चुनिंदा कुछ 25-30 हैं, ये खालिस्तान इनको चाहिए कनाडा में, तो मिल गया इनको कनाडा में खालिस्तान सर। हाँ नहीं, सिख ग्रुप डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंट खालिस्तान इन ब्रैम्पटन, सेज नो नॉन सिख पीपल अलाउड, ए सिख एक्टिविस्ट ग्रुप इज ब्लॉकेडिंग ए पोर्शन ऑफ ब्रैम्पटन रीनेमिंग इट एज खालिस्तान, दे आर ऑल्सो अर्जिंग नॉन सिख इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग अदर इंडियंस टू स्टीर क्लियर और बी मेट विद डेडली फोर्स। ये सीधे सीधे चेतावनी दे के उन्होंने वहां झंडा गाड़ दिया, एक तरह से खालिस्तान बनाने की शुरुआत उन्होंने कनाडा से ही कर दी, यानी जो सांप पाल रहा था ट्रूडो, उन सांपों ने कनाडा को डसना शुरू कर दिया है। अब उसको अब आएगा खेल का मजा, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, यहाँ पे तो मैंने कहा भारत के तेवर इस समय वो है कि वो जगरनाट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जो सामने आएगा वो रौंद दिया जाएगा, चाहे वो निज्जर हो चाहे फिर वो सईद का लौंडा हो। तो ये मगर अब ट्रूडो के लिए जवाब देना अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो मुश्किल हो जाएगा, रात की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि कनाडा वासी जो कनाडा के रहने वाले हैं वो पूछेंगे इससे ये तुमने कौन सी बला ला के पाल दी यहाँ पे कि एक देश के अंदर दूसरा देश, तो ये जवाब बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति, मोदी को कुछ नहीं आता, मोदी अनपढ़ है, एक वो दिल्ली वाला गवार बताता है, तो उन लोगों के मुंह पर ये सब तमाचे, मतलब एक तमाचा नहीं, तमाचों की बरसात है ये सब घटनाक्रम। मतलब ये खालिस्तान चाह रहे थे यहाँ, मतलब उन्हीं की जमीन पे खालिस्तान हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग ये कि ये लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, उस हाफिज सईद के लौंडे का गायब होना।
तो जेल में है और भारत के तबाब में जेल में है, यह भी जान लीजिए कि भले ही वो यासी कर रहा हो जेल, भले ही वो जेल में यासी कर रहा हो, यासी तो जेल में सर यहाँ सत्येंद्र जैन जैसे लोग भी कर रहे होते हैं, लालू यादव भी कर रहे होते हैं, तो पॉलिटिकली तो, लेकिन है जेल तो जेल होता है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो कोई और भी हो, जेल जेल है। नहीं नहीं मनीष जी, मिली भगत समझ लीजिए कि 2008 की ये घटना थी बंबई हमला, और वो तो उससे पहले से करतूते सब कर रहा था, लेकिन 2008 से 2016-17 तक हाफिज सईद खुला घूमता था, उसके ऊपर कोई कोई मदद, कोई यहाँ 6 साल तक कांग्रेस की सरकार सोती रही, यहाँ सोती क्या रही, यहाँ ओसामा जी और हाफिज सईद साहब, ये सिंधे और दिग्विजय जिस तरह से आरती उतार रहे थे कि हाफिज सईद साहब बता रहे थे, तो कुछ हो रही नहीं था। ये तो ये जो मनीष जी कह रहे हैं वो सत्य है कि जब यहाँ पे मोदी सरकार आई, उसने लठ चलाना शुरू किया, इंटरनेशनल प्रेशर बनवाना शुरू किया, जो FATF की खबरें हर 6 महीने बाद आ रही थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में आ सकता है, ये कुछ नहीं था, सिर्फ मोदी का कमाल था ये, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को लगा कि अभी तो 300 रुपए आटा किलो खा रहा है, बाद में गई 3000 रुपए किलो में खाना पड़े, इसलिए उसको 33 साल की सजा सुना के जेल में रखा अंदर। तो ये और कुछ लोग ये करें जो लौंडा जो उसका है, मतलब जो कि लौंडा शब्द का प्रयोग आप ज्यादा करते हैं, तो इसलिए मुझे लगा आप ही की बात है, बात की जाए। ये जो लौंडा उसका गायब है, उसके लिए लोग लिख रहे हैं कि ये सामान्य लौंडा नहीं है उसका, यदि 8-10 होगा तो, यही इसका पूरा आर्थिक कारोबार संभालता था, यही इसका वित्त मंत्री था, तो भारत के खैरातियों का क्या होगा सर, अब माल कहां से आएगा? नहीं, भारत के खैराती इस समय चिंता में ये है कि ये दोष किसको किस पे डाले, ये दोष किस पे डाले, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो कुछ था, तो हाफिज सईद तो समझिए एक तरह समानांतर सरकार चला रहा था, ISI उसके गुलाम थी, ISI बनाए उसको, तो उसका दामाद बनाए हुए थी, तो ये बेचारे अब दोष किस पे डाले, क्योंकि ये इनके लिए बड़ा संकट है, कोई कहानी गढ़ने में जुटे होंगे कि आका के ऊपर संकट आ गया है, आका आफत का पहाड़ टूट पड़ा है, तो वो जो दिग्विजय सिंह हाफिज सईद साहब कह रहा था, ओसामा जी कहता था, ये बलात्कारी पांडे, ये सनसनीबाज, ये सब कुछ रचना करके लाएंगे मनीष जी एक दो दिन में, कोई झूठी झूठी सच्ची कहानी अपने आंसू पोंछने के लिए और वहां के आंसू पोंछने के लिए कुछ गड़ेंगे, ये गड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी अभी तो इनके समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें।